गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल बी स्टडीइंग दिस चैप्टर सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। किस प्रकार एनिमल में प्लांट में सिमिलरिटी होती, क्या समानता होती है, कुछ समानता होती है, कुछ असमानता होती है, कुछ सिमिलरिटी में समानता, और देखिए सिमिलरिटी में समानता, समानता में समान भाई, डिफरेंस मीन्स विभिन्नता, विभिन्नता, कुछ समानता होती है, कुछ डिफरेंस होती है, भिन्नता होती है। एनिमल मीन्स जानवर माने जीव, और प्लांट मीन्स पौधे, जीव जंतु पौधे, इन सब में आएंगे। हम अपने एडवांस में बहुत सारे जीव जंतुओं को देखते हैं, प्लांट को देखते हैं, जो अपने एडवांस में क्या क्या देखते हैं आप भाई? प्लांट माने पौधा, प्लांट में हर्ब्स हो सकते हैं, सर्प्स भी हो सकते हैं, झाड़ी हो सकते हैं, और हर्ब और सर दोनों हो सकते हैं। हर्ब्स सर तो हो सकते हैं। एनिमल में भी ट्री भी है भाई, एनिमल में वो बिग हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, बिग एनिमल एंड स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स मीन्स छोटे जीव जंतु, एनिमल्स बहुत छोटे, कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप नग नाकों से ऐसे सीधे आप देख नहीं सकते हैं, ऐसे भी होते हैं जिसको हम नग नाकों से नहीं देख सकते हैं। वो कैसे होते हैं कि हम उसको देख सकते हैं, कैसे देखते हैं उनको? देखें, कुछ ऐसे होते हैं नेग नाक से, नेग माने सीधे, यानी हमको उसको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, जो सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोप भी सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जिसे सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए यूज किया था, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। अब ऐसे हो सकते जो बैक्टीरिया है, जो पास में पाए जाते बैक्टीरिया, ये सब। अब आप देखते हैं कि क्या कैसे वो सर्वाइव करते हैं, इरेज कर दिया जाए, देखिए एनिमल को क्या चाहिए, एनिमल प्लांट सबको, यानी प्लांट जो होते हैं, प्लांट मीन्स पौधे, उनको फूड चाहिए, भोजन चाहिए। एनिमल प्लांट, तो प्लांट्स को क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ओन फूड, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं लीव्स के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। अब यह आप सोच रहे हो कि पत्तियों के द्वारा, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें पेड़ पत्तियां पाई नहीं जाती, तो सड़े गले पदार्थों पर उग जाते हैं, उस पर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। और एनिमल अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, ये जंतु द्वारा बनाए गए भोजन को, यानी सॉरी प्लांट द्वारा बनाए गए भोजन को ये खाते हैं। अब कुछ आप सोचते हैं कुछ ऐसे एनिमल है जो कि अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे जीव जंतु पर डिपेंड रहते हैं, वो कैसे खाते हैं? अब उसमें होता है कि वो सिर्फ मांसाहारी है, लेकिन जिस जीव को खाते हैं, जैसे लायन होता है, शेर, लायन क्या करता है, रैबिट को खा लिया, रैबिट को खा लिया, तो रैबिट को ग्रास खाता है, यही हर व्यक्त, यानी क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट पर, और बिना भोजन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। आप देखें ब्रीथ, पहला होगा सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए, फूड। अब उसमें प्लांट अपना भोजन बना लेता है, और जंतु जो अपना भोजन नहीं बना पाता, ये जंतु द्वारा बनाए गए भोजन, यानी इसके प्लांट द्वारा बनाए गए भोजन को जंतु खाते हैं। सेकंड पे आ जाओ, ब्रीथ,
एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स और प्लांट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रहते हैं, जो स्वास्थ्य में रहते हैं। बोथ आर ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म, यानी दोनों सांस लेते हैं, ब्रीथ का प्रोसेस करते हैं। अब प्लांट क्या करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। बोथ बोथ नीड फॉर ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, फॉर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन बोथ आर रिलीज बोथ रिलीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। यानी आप देखते होंगे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या करता है, प्लांट एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। वो प्रोसेस चलती रहती है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में, ये ऑक्सीजन को निकालता है। ऑक्सीजन निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जबकि एनिमल क्या करता है, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया इसमें यही है, ये ऑक्सीजन है, वो एक्स वाई हमने दोबारा नहीं लिखा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ओ एक्स आई डी ई ऑक्साइड, ऑक्सीजन निकालते हैं। देखिए यही है ऑक्सीजन। अब देखिए रात में प्रोसेस जो होती है, रात में प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन वहां पे एकदम जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे वो रात में प्रोसेस उल्टा हो जाता है, रात में प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कुछ प्लांट नीचे सो सकते हैं, जैसे आपने नीम हुआ, बरगद हुआ, पीपल हुआ, लेकिन सबके और तुलसी हुआ, इन सब कार्बन डाइऑक्साइड रात में नहीं छोड़ते हैं, और सब प्लांट जो होते हैं वो छोड़ते हैं। क्या हुआ, ये तो आपको प्रोसेस हो गई, यानी क्या समानता है फूड का, ब्रीथिंग का, जैसे आप समझ रहे हैं। अब आप थर्ड आ जाओ, मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स गत करना, इरेज कर दिया जाए मूवमेंट, गति करना। प्लांट मूवमेंट करता है, मूवमेंट मीन्स गति करता। अब यह सोचो गत एक छुई मुई होती है, छुई मुई, छुई मुई जिसे कहते हैं लाजवंती कहते हैं, जिसको पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं। प्लांट भी मूव करता, और हम लोग भी देखो टहलते घूमते रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, ये प्रोसेस हमेशा होती रहती है। देखते ना, हमेशा चल रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो मूवमेंट होता है। प्लांट में प्लांट इससे रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जैसे जलकुंभी हुआ, पिस्तिया जिसे कहते हैं जलकुंभी, कुंभी, ये सब क्या करते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। इसमें एयर के रूप में एयर पाई जाती है, पानी के सतह पर ऊपर तैरते रहते हैं। अब क्या करते हैं, अब जो प्लांट एनिमल होता है, एनिमल भाई मानव ही है, और जंत देखते हैं एनिमल्स एक सर्च फॉर फूड, यानी भोजन की तलाश में, सर्च फॉर फूड भोजन की तलाश करता है, भोजन का, वाटर का, फूड
वाटर फॉर फूड वाटर शेल्टर रहने के स्थान शेल्टर शेल्टर रहने के स्थान ये सब रहने के स्थान को भी खोजते रहते हैं। खोजते रहते ना देखिए और क्या करते हैं आप कुछ एनिमल बताओ जो टहलते नहीं है। टहलते नहीं चलते गुड़ टहलती नहीं चलती है ठीक है यानी टहलती रहती है वो भी अपने एक स्थान दूसरे स्थान पर यदि उनको छोड़ दिया जाता है तो गाय को भैंस को देख रहे हैं इस समय वैसे खुले रहते हैं जानवर खुले रहते हैं टहलते हम लोग भी वही साइकिल चलाते पैदल चलते हैं एक जगह कोई एक कांस्टेंट एक जगह पर रहते हैं प्लांट में देखते प्लांट कांस्टेंट रहते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं घूमते हैं पानी तैरते हैं। अब क्या होता है प्लांट्स आर फिक्स इन सॉइल प्लांट फिक्स होता है सॉइल मिट्टी में फिक्स रहता है। आगे आ जाए देखिए प्लांट और क्या हो सकता है कर दिया रिप्रोडक्शन चौथा प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज जनन जनन मूवमेंट इज गत करना क्रेज कर दिया जाए इसको सांस लेना भोजन यानी क्या क्या भोजन देखिए अब रिप्रोडक्शन में क्यों इंपॉर्टेंस है यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन यानी एक जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए जरूरत है। जैसे अभी पेड़ आपने क्या दिया गेहूं इस बार बो दिया यदि उसकी सीड्स नहीं रखेंगे बीज नहीं रखेंगे क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा फिर अगले आप कैसे दोबारा बो पाएंगे। उसी प्रकार गुलाब का है गुलाब रोज जिसको कलम करके लगाया जाता है गुलाब रोज ले लीजिए रोज मीन्स गुलाब गुलाब। अब इसमें क्या करते हैं ऐसे डंठल लेंगे और उसको डंठल काट देंगे काट कर इसका एक रोज का हो गया काट कर देंगे यानी इसमें भी जनन क्षमता होती है यानी एक प्रकार का ये भी अगली पीढ़ी यानी एक गुलाब सूख गया दूसरा आपका पेड़ तैयार हो गया। अब इसे आपने लगा दिया इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकलने हो जाएंगी ये तैयार हो जाएंगी ये तो प्लांट की बात हो गई। अब हम लोग करते हैं बात इसकी क्या कहते हैं उसको एनिमल्स में से गोट का देख तो बच्चा है और क्या कहते बकरी का गोट का हो गया सीप का हो गया गोट मीन्स बकरी भाई सीप मीन्स भेड़ और गाय का भैंस का यानी आदमी का मैंने सबका इस प्रकार एक पीढ़ी से दर पीढ़ी एक परंपरा जिसे बनी रहे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे प्रोसेस इसलिए यानी न्यूक्लियर यानी कि जनरेशन के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंस है। अब कुछ में ऐसे सोचते होंगे कुछ में फूल के इसके ये तो कलम के द्वारा इसे कलम कलम के द्वारा लगाया जाता है कलम द्वारा रिप्रोडक्शन होता है जनन होता है। लाइन्स अदरक का आप ले लें आलू पोटैटो ले लेंगे पोटैटो आलू को ले लेंगे आलू ऐसा होता है इसको कट कर देते हैं ऐसे उसमें आई निकली रहती है उसको कट करते हैं उसको बो देते हैं ठीक। अब हम लोग इसको आगे अब नेक्स्ट पेपर पढ़ेंगे। थैंक यू।